हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पार्टनर। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरत होता है स्मार्ट माइंड एंड स्मार्ट प्रिपरेशन की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, जिसे हिंदी में आयत और वर्ग कहते हैं, से जुड़े फॉर्मूले के बारे में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप आयत एवं वर्ग से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर को, ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं आयत क्या है। ये एक चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण अंतः कोण जिसके चारों अंतः कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। मतलब ये जो हमारा आयत बना हुआ, आयत का फिगर इधर बना हुआ है, इसके देखेंगे कि हमारा जो चारों कोण है वो समकोण है। मतलब समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं समकोण किसे बोलते हैं? 90 डिग्री को बोलते हैं। तो आयत का जो प्रत्येक अंतः कोण होता है, चारों कोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। आइए देखते हैं इसकी और क्या क्या विशेषताएँ हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएँ समान और समानांतर होती है। देखिए, अगर ये इस भुजा की लंबाई a है तो इसके सामने वाली भुजा जो है इसकी भी लंबाई a होगी, और ये दोनों भुजा क्या है, आपस में समांतर है। और अगर ये भुजा की लंबाई b है तो इस भुजा की भी लंबाई क्या होगी? b होगी, और ये दोनों भुजा भी समांतर होती है। और आयत के चारों अंतःकोण समकोण होती है, वो पहले बता चुका हूँ कि आयत के जो चारों प्रत्येक अंतःकोण है वो समकोण होती है। आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। इसके अगर विकर्ण यहाँ से यहाँ खींच दिया जाए, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन विकर्ण होता है। अगर ये विकर्ण खींच दिया जाए, अगर हम ये चतुर्भुज का नाम रख देते हैं ए बी सी और डी, ये आयत का नाम हो गया ए बी सी डी, तो यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे कि ए सी बराबर बी डी। मतलब आयत का जो दोनों विकर्ण होता है वो समान होता है, ये इसका गुण है, आयत का गुण है। और देखते हैं हम लोग आयत का परिमाप। अब आयत का अगर परिमाप निकालना है तो आयत का परिमाप कैसे निकलेगा, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन ये फार्मूला तो ठीक है, याद है तो ठीक है, लेकिन ये फार्मूले को याद करने का ज़रूरत नहीं है। अगर फार्मूला भूल भी गए तो हम लोग कैसे समझेंगे? मान लेते हैं इसका लंबाई क्या है, ए और इधर बी, मतलब ये लंबाई बी है और इसकी चौड़ाई क्या है, ए है। तो परिमाप किसे बोलते हैं? जो चारों साइड जो ये लाइन दिया हुआ है, चारों साइड का जो घेरा है उसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकलता है? परिमाप निकलता है। अब यहाँ देखिए आयत का जो हम लोग जानते हैं, आयत का गुण कि अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी, और अगर ये भुजा बी है तो यह भुजा भी बी होगी। इसका परिमाप अगर हमें निकालने के लिए दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर, फिर ये दो नंबर इस तरह, फिर ये तीन नंबर और ये चार नंबर। ये चारों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वही परिमाप निकल जाएगा, जैसे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b। अब यहाँ पर 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अब यही फार्मूला यहाँ पे हम लोग याद करते हैं, इसको रटते रहते हैं, लेकिन ये रटने की ज़रूरत नहीं है। 2 और ये क्या था? चौड़ाई था, और ये क्या है? लंबाई है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर फार्मूला कभी हम लोग भूल भी गए तो इसका परिमाप हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ ए और इसकी लंबाई दिया हुआ है बी। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या बोलते हैं कि किसी भी क्षेत्र को कितना क्षेत्र घेरती है उसे उसको क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल बोला जाता है। तो इसकी लंबाई b है और ये चौड़ाई a है, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू बी, वही लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसका क्या हो जाता है? क्षेत्रफल निकल जाता है। तो कहीं भी दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए लंबाई दिया हुआ है, इसकी लंबाई इसकी 5 cm है और चौड़ाई इसकी 2 cm है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 5 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 cm² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आसानी से भी लंबाई और चौड़ाई जहाँ भी दिया हुआ है तो आसानी से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
अब एक आयत का विकर्ण निकालने के लिए आता है कि आयत का विकर्ण क्या है। अगर यह भुजा की लंबाई ए है और यह भुजा की लंबाई बी है और हमें जो यहाँ से यहाँ इसका विकर्ण निकालना है, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आता है। अब इसको या तो हम लोग फार्मूला याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, या तो इस फार्मूले को अगर हम लोग भूल जाते हैं तो कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, इसी का जो ये विकर्ण वाला पार्ट यहाँ से यहाँ था, इसी पार्ट को हमने काट के अलग कर लिया है, ये पार्ट हमें निकालना है। अभी मैंने माना था कि इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, आपने और ये प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है, हम लोग पहले पता है कि ये कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो आपने पैथागोरस प्रमेय पढ़ रखा है, पैथागोरस प्रमेय में क्या है, ये अगर इसको काट के निकाल दें तो समकोण त्रिभुज निकल गया है। तो समकोण त्रिभुज का ये क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण की लंबाई हम लोग जानते हैं, लंब स्क्वायर, यहाँ लंब क्या है ए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार यहाँ पर बी है और इसका रूट होता है। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग पैथागोरस प्रमेय जान रहे हैं तो यहाँ भी विकर्ण हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। और चूंकि आयत का दोनों विकर्ण समान होता है इसलिए कोई भी विकर्ण निकालने के लिए देगा तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला अगर हमें नहीं भी याद है तो हम लोग आसानी से आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं, अगर हमने पैथागोरस प्रमेय पढ़ रखा है। तो आयत में इतना चीज़ ही निकालने के लिए आता है। मान लीजिए अब यहाँ पर ये दे दिया है कि इस आयत की जो चौड़ाई है वो 3 है और इसकी लंबाई जो है वो 5 है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं 3² + 5² अंडर रूट, तो कितना हो गया 9, 25, 34, बस √34 यही आंसर हो जाएगा हमारा, √34 इसका विकर्ण हो जाएगा। तो ऐसे कुछ भी पूछे तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो आयत में और भी कुछ भी नहीं है, बस इतना अगर आप लोग जान गए तो आसानी से आप लोग आयत के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बाद में हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वर्ग क्या है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएँ बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। अभी आयत हमने पढ़ा था उसके चारों कोण समकोण थे, यहाँ वर्ग के भी चारों कोण समकोण है। सिर्फ फर्क यहाँ पर क्या है कि इसकी चारों भुजाएं समान है, वहाँ आमने सामने की भुजाएं समान होती थी, यहाँ चारों भुजाएं समान है। अगर चारों भुजा कोई भी एक भुजा अगर ए है तो चारों भुजा ए ही होगी, तो उसे हम लोग वर्ग कहेंगे। मतलब आयत का ही सिर्फ एक गुण उसमें मिल जाए कि चारों भुजाएं समान है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसकी विशेषताएं और हम लोग देखते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, जैसे अभी हमने बताया चारों कोण समकोण होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, आयत के भी दोनों विकर्ण समान होते थे, यहाँ वर्ग के भी दोनों विकर्ण समान होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। यहाँ पे एक नया गुण दिया हुआ है कि इसका अगर विकर्ण हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो ये जो यहाँ पे समद्विभाजित होगा ये कोण चारों कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री, मतलब समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, तो आयत में भी होती थी। वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, जब हम लोग चक्रीय चतुर्भुज पढ़ेंगे तो फिर हम लोग वर्ग के बारे में, वहाँ चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। मतलब वर्ग ऐसे अगर सर्किल बनाएंगे, यहाँ से इसको केंद्र मान के सर्किल बनाएंगे तो चारों जो यहाँ पे बिंदी है ये, तो वो चारों शीर्ष वृत्त में टच कर जाएगा, तो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। वर्ग एक आयत भी होता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं, वर्ग एक आयत भी होता है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज भी हम लोग पढ़ेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो तो उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चूँकि चारों भुजा बराबर है इसलिए आमने सामने की भुजा भी बराबर है और समांतर भी होती है, तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग का परिमाप निकालना है, अभी मैंने बताया था कि जैसे आयत का परिमाप निकालते हैं क्या करते हैं, चारों भुजा को जोड़ देते हैं। अब यहाँ चारों साइड ए ए ही है, तो इसका परिमाप जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4a, 4a बोले या 4 × a, तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया परिमाप का, 4 × भुजा। तो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम लोग इसका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल, अभी हमने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा, लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, दोनों बराबर है, मतलब a है,
तो लंबाई गुने चौड़ाई अगर मुझे याद है तो ए गुने ए बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो ए तो इसकी भुजा है इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कुछ भी निकालने दे दिया तो भुजा स्क्वायर कर देंगे। अगर दे दिया कि वर्ग की एक भुजा 4 cm है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो 4 स्क्वायर मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमने अभी आयत का विकर्ण पढ़ा था वैसे वर्ग का विकर्ण, अब उसमें हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर रूट टू इंटू एक भुजा, तो हम लोग याद करते रह जाते हैं। लेकिन अगर दोनों में कोई भी याद नहीं है तो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने बताया था कि अगर ये ए है तो यहाँ भी ए होगा, और इसी पार्ट को हमने इसका फिर से कट करके निकाला है आपको, यहाँ पर ए है और ये भुजा भी ए है। अब हमें ये निकालना है तो फिर पैथागोरस प्रमेय हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे दोनों भुजा ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या हो गया 2a² अंडर रूट। अब ए स्क्वायर का तो वर्गमूल निकल गया और 2 का नहीं निकलता है, तो रूट 2 और ए, तो यही हमारा फार्मूला निकल गया। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो आसानी से हम लोग विकर्ण इसका निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे दे देगा कि अगर वर्ग की एक भुजा 5 cm है तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो वही 5√2, 5 और रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, 5√2 cm हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण हम लोग बिना फॉर्मूले के आसानी से निकाल सकते हैं, अभी आपने सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊं उसमें और भी सुधार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।